नमस्कार दोस्तों, ओमनिसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनिसेंट इंग्लिश की 840 दिन क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या नहीं समझ में आता है कि उच्चारण कहाँ से करना है, कैसे शुरू करना है, या क्यों किसी वर्ड को कोई चीज़ जो है पढ़ा जाता है या क्यों नहीं पढ़ा जाता है, तो इस बात को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं अगर आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो बने लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इस वीडियो में दोस्तों सिक्स लेटर और सेवन लेटर वाले वर्ड्स शुरू होंगे जो कि एल से शुरू होने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा मैं प्रैक्टिस पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में छोटी सी जो परिचय बहुत ज़रूरी है अगर आप नए हैं तो, क्योंकि दोस्तों अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो 26 लेटर होते हैं ए बी सी डी के। जी हाँ, अल्फ़ाबेट नहीं कर ए बी सी डी ही हम लोग सभी लोग कहते हैं, अल्फ़ाबेट इसे नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी कहिए आप, लेकिन समझिए कि इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, ए ई आई ओ और यू। ये जो पाँच है दोस्तों, आप जो जैसा कि देख रहे हैं जो हमारा ये पाँच भोवेल है, लेटर जो है भोवेल्स का कहा जाते हैं, ठीक है। ये पांच भोवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या न पढ़ने के बीच का जो है मेन रीजन बना हुआ है, जो कि ये पांच है। डबल ओ को और जोड़ दिए इसमें, और इसका कुल उच्चारण जो है करने का तरीका जो है 23 तरह से, यहाँ तो 23 तरह से उच्चारण हो जा रहे हैं। खाए कितने, पाँच एक छः, उच्चारण 23 तरह से। आप इसे ए को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, आप इस बात को सोचिए। ई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, आई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ओ को कितने तरह तरह से पढ़ सकते हैं, या यू को या डबल ओ को कितने तरह से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो आप आने वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद कि कितने तरह से पढ़ा जा सकता है, कुल 23 तरह से। अब जो बचता है 21 लेटर, वो है दोस्तों कॉन्सोनेंट के, ठीक है, कॉन्सोनेंट का लेटर है, और ये जो है टोटल 41 तरह से भी पढ़े जा सकते हैं। 21 लेटर है, जैसे डी को डा बोलते हैं, ज भी उच्चारण करते हैं, और टी को टा तो बोलते हैं, च और स उच्चारण होता है। क्या आप जानते हैं कि टी से च और स भी उच्चारण होता है, तो अगर जानते हैं तो कौन सा वो वर्ड है वो कह के जिसमें टी को च या स उच्चारित करते हैं। अब देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णमाला जो है दो, ये इसके भी दो पार्ट है स्वतंत्र, ये स्वर जिसको 14 और ये व्यंजन जिसको 36, दोनों को मिलाकर ये जो है 50 हो जा रहे हैं। दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा, क्योंकि ये जो हम जब भी हमारे देश में लोग आए होंगे और उन्होंने ही स्वर और व्यंजन का जो अंग्रेजीकरण यानी कि वर्णमाला का अंग्रेजीकरण कर दिया, और इस तरह से हिंदी के शब्दों के, मान लीजिए किसी का नाम अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है राम, तो भाई राम को कोई अंग्रेजी तो नहीं है, राम का अंग्रेजी इस तरह से लिख दिया गया, आर ए एम राम। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जब स्वर और व्यंजन पे गहराई सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए अब सीधा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, ये वर्ड्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है, इसको याद रखना। जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे साथ पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस का वाला पहले सेशन है, फिर जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको लास्ट में मैंने रखा है, जो कि थ्योरिक है। तो देखिए ये है लेडम्स, फिर देखिए लियर्स, लीडीज, नेक्स्ट है लीइंग, नेक्स्ट है लिप्ड, उसके बाद सो लियरेड, नेक्स्ट है लिरोय, फिर देखिए लीसेस, लीथ्स और लिटल, नेक्स्ट लीवे, ए वाई को ए बोलते हैं तो लीवे हो गया। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारा हमारा लेफकश, फिर देखिए लेफ्टो, लेफ्टी, नेक्स्ट है लीगेसी, लीगेसी लीगल है ना, लीगेसी लीगल्स, और है लीगेंस, नेक्स्ट है लीगेट, ए के बाद ई है तो लीगेट हो गया, लेगेटो, नेक्स्ट है लीजेंड, नेक्स्ट है लीजर्स, लेजर्स, और है लेग्ड। उसके बाद देखिए लेगर्स, लेगर, लेग, लेगेस, लेगिन, लेगिन, लेगिंग हो गया, लेजन, लेजिन, लेजिन हो गया। यहाँ देखिए लियोल्स, ली आसेस, लीवियन, नेक्स्ट है लीसिस, नेक्स्ट लीसियम, ली सीएम, फिर से लीची, नेक्स्ट देखिए यहाँ से लीएबल, ए बी एल यू को एबल बोलते थे, लीएबल, नेक्स्ट है लीचेस, लेजिस्ट, लेजिस्ट, फिर कहते हैं ला गर्स, नेक्स्ट है लाइटी, लेटी, लेवेरम, लेवेरम, लेबेट्स, एक के बाद ही है ले, ले लेबेट्स, नेक्स्ट है लेबियस, लेबियस, नेक्स्ट है लेबल्ड, नेक्स्ट है लेवलर, लेवेलर, नेक्स्ट देखिए लेवेला, उसके बाद देखिए लेबेट,
नेक्स्ट है लेबियल्स, आई ई एल को देखिए, यहाँ देखिए आई ई एल को ई एल बोलते हैं, ऐसे लग गया तो लियल्स हो गया, तो लेबियल्स लेबियल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए लेबिएट, लेबिएट हो गया लेबिएट। नेक्स्ट है लेविसेस, लेविसेस है। नेक्स्ट है लैब लैब्स हो गया। नेक्स्ट है लेबॉर्ड, लेबॉर्ड। नेक्स्ट है लेबरर, लेबरर लेबोरी। नेक्स्ट है लेबर्स। नेक्स्ट लेबरेट्स। नेक्स्ट है लैब ब्रिड्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद लैब्रीज, आई एस को ये बोलते हैं, लैब्रीज हो गया, लैब्रॉइड। नेक्स्ट है लैब्रोज। नेक्स्ट है दोस्तों लैब्रम्स। इसके बाद नेक्स्ट है लेबुडस, लेबुडस। फिर देखिए लेकावर्स। नेक्स्ट है लेको, लेके यूस। नेक्स्ट है लेका जेस। नेक्स्ट है लेस मैन। नेक्स्ट है लेसटा। नेक्स्ट लेचर्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ देखिए सो लैकॉम्बस, नेक्स्ट लैकोनिया, लैकॉनिक, लैकर्स, लैकर, फिर लैकिक, लैकिए और लैक्सन्स। नेक्स्ट है लैक्टम्स। नेक्स्ट लैक्टरी। नेक्स्ट है लैक्टेज, एक के बाद ई है तो लैक्टेज हो गया। नेक्स्ट लैक्टेट, एक के बाद ई देखिए लैक्टेट। फिर लेज्ड। नेक्स्ट लेजर, लेजेस, लैक्टील। नेक्स्ट लैक्टीन। फिर देखिए लैक्टोन, लैक्टोज, लैक्यूने, लैक्यूनल, लैक्यूना, लैक्यूनस। नेक्स्ट देखिए लैच लैन, लैसीएस्ट, लैसिस्ट, लैसिनस, लैसिंग, लैसिनिया, लैकर्स, लैकेथ। फिर देखिए लैकीज। उसके बाद देखिए लैकीज, आई एस को ईज बोलते हैं तो लैकीज हो गया, लैकिंग। उसके बाद है तो लैकलेड। तो ये तीन स्लाइड था और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दिक्कत हो रहा था फिर से आप इसे अच्छे से खोज के पढ़ें, प्रीवियस करके बैक करके, ताकि और भी समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए अगर जो है हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या 1000 प्लस हो गया है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको पढ़ना सीखना है या करेक्ट लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे बीते ये स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की ज़रूरत है और ना मोटो डिक्शनरी की किताब खरीदने की जरूरत है। करना क्या है कि एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पे जब वीडियो देखेंगे तो क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ करना यही है कि बोल बोल कर लिखना है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आप ये काम करते हैं तो एक तो लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा और एक कॉपी भी करोगे, जो कि रिविज़न में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि वीडियोज तो रोज़ डे बाई डे आ रहे हैं, भूल जाएंगे, तो आप जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलिए। तो अब देखिए हाँ, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, इस स्लाइड को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस का ही है। रीडिंग, जो भी रीडिंग करना है तो उसमें जो बार बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट आते हैं, एक्चुअली आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि पार्ट क्या है, तो मैं पार्ट पे बात करता हूँ। जैसे कोई वर्ड लंबे लंबे लेटर्स वाले दो तीन पार्ट करके बनता है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में कई, हमारा बॉडी जो है उसमें पैर भी है, सर हाथ पैर सब है, तो पूरा कंप्लीट एक बॉडी है ना, बोलते हैं कि हम ह्यूमन है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, सभी जगह ऐसे ही है, कलर भले ही चेंज है, एक लैंग्वेज भले ही चेंज है। तो उसी तरह वर्ड मीनिंग के साथ भी है, कुछ ऐसे पार्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको अगर समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाला। तो उन पार्ट को समझिए, रोज़ मैं बताता हूँ नए नए पार्ट्स के बारे में। जैसे जो अंत में आता है, जैसे OUS एक मैंने पार्ट बताया, एक पार्ट है अस, इस अस बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होंगे, ये अंत में ही आता है। या आप ऐसे समझिए कि दूसरा जगह ING को इंग देखिए, ये लास्ट में आ रहा है, तो ये भी एक पार्ट ही है। तो जैसे DIS जो कि यहाँ पर डिस जो है, ये एक पार्ट है, जो शुरू में आएगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। बस यही अंतर है। और बीच वाले को भी कुछ इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे OULD कोड पढ़ते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी, पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैंने इसे बता रखा। ENT को एंट बोलते हैं, तो M लगा तो मेंट है, तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पढ़िए रीडिंग, रीडिंग जिसमें ING है, रीडिंग ऑफ सीरियस, सीरियस बुक्स लाइक दोज ऑन फिलोसोफी। अब देखिए साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी,
सोशियोलॉजी ईटीसी हैज चॉइस ऑफ इट्स ऑन दे इंक्रीज, ऐसी को जब बोलते हैं इंक्रीज आवर नॉलेज शार्पन आउट इंटेलेक्ट एंड इनेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, तो इनेबल अस टू थिंक फॉर आवर सेल्वेस बुक्स ऑन हिस्ट्री, टेक ए के बाद ई है, तो टेक अस इन टू द पास्ट एंड प्रूव, वही को पी आर ओ को प्रूव बोलते हैं, प्रूव यूजफुल, देखिए यूजफुल हो गया तो इसको याद रखेंगे यूजफुल इन मेनी वेज, ए वाई केज बोलते हैं तो वेज हो गया, ऑन वन लर्न्स नॉट ओनली फ्रॉम द अचीवमेंट, देखिए अचीवमेंट अबाउट ओ ए बी ओ हो जाएगा यहाँ पर, तो अबाउट ऑल्सो फ्रॉम द फेलअर्स ऑफ द, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं फेलअर्स, तो फेलअर्स यहाँ पढ़ेंगे फेलअर्स ऑफ द ग्रेट्स मेन, ई एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन हो गया, एंड रूलर्स ऑफ बाईगॉन एजेस, रीडिंग इज अ दस हेल्पफुल हेल्पफुल टू मैन, ए एन को एन बोलते हैं मैन हो गया, इन मेनी वेज, ए वाइज को एज बोलते हैं, डब्ल्यू लगा एस, आर लगाता रे, पी लगता पे, डी लगता डे हो जाता, कई वर्ड बनते हैं ए वाइज से, तो दिस फैक्ट शुड, एस एच शुड है, सी रहता तो कूड होता, अगर डब्ल्यू रहता एस एच की जगह तो क्या होता उड हो जाता, तो एक वर्ड पार्ट है ओ यू एल डी। अब देखिए नॉट हाउ एवर, हाउ एवर ई आर को बोलते हैं, हाउ एवर ब्लाइंड अस टू द डिस, डिस पार्ट है, एडवांटेजेज एक के बाद ही है, एडवांटेजेज ऑफ रीडिंग, आई एन जो कहीं बोलते हैं रीडिंग टू मच रीडिंग है ना, रीडिंग है इन पार्टिकुलर, ए मैन हु रीड्स टू मच इज द समहाउ कट ऑफ फ्रॉम रियल लाइफ, ही लॉसेस द प्लेजर्स, ए सी आर ई को जर यहाँ पढ़ते हैं ऐसे लग गया, तो प्लेजर्स हो गया ऑफ लाइफ इन पर स्विंग, आई एन जो कहीं बोलते हैं पर स्विंग द प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, आई एन जो कहीं बोलते हैं रीडिंग। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं इजीली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए पार्ट्स को पढ़ा या हमारे पुराने वीडियो को, और भी पार्ट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब देखिए अगर हमेशा आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, भौबल, तो भौबल जो है दोस्तों भौबल के बारे में बात करना होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ से मैं उच्चारण करने का तरीका बता दूँ कि किस तरह से इसको उच्चारण किया जा सकता है। जैसे सभी भौबल में आप जो देख रहे हैं सभी भौबल में क्या है, अ और आ है, कोई भी भौबल देखिए अ और आ है इसमें, उसके बाद ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो पाँच में से चार चार एकदम सेम टू सेम है, ओ यू में जो ऊ को बढ़ा लेते हैं तो चार में से पाँच में से तीन तीन एकदम सेम टू सेम है। अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, ये तो है ना बोला जाता है, तो ये है। अब उसके बाद देखिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने रखा है, जैसे ए से ई से आई से ओ से यू से डबल ओ से, आपको क्या करना है 200 जी हाँ तो 200 वर्ड्स ले लीजिए, और हालांकि ज़्यादा ही लग रहा होगा आपको, लेकिन जितना भी है आप रोज़ लीजिए, आप या एक बार कलेक्ट कर लीजिए कोई भी वर्ड जिसको आप पहले से जानते हो उसके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड जानते हैं, छोटा वर्ड कोई मतलब नहीं है, आप ले लें और उसको लिख लें कॉपी पर जिसका उच्चारण जानते हो आप, और 10 दिनों तक जी हाँ सो 10 दिन तक आप प्रैक्टिस करनी इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ बता दी 11वें दिन खुद ब खुद किसी भी वर्ड मीनिंग का आपका जैसे एक बार सुनेंगे ना तो स्पेलिंग आ जाएगा आपको, मतलब देखते के साथ आप पढ़ना सीख जाएंगे कैसे। तो देखिए पहले इसलिए कि वैसा वर्ड लेना जो कि पहले से जानते हो, जाके आपको पता चल सके आज तक आपने जो पढ़ा है वो क्या सही क्या क्यों सही पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, इसको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर कंपनी एक वर्ड है, सभी लोग जानते हैं कंपनी, इसको कंपनी बोलते हैं या कंपनी का स्पेलिंग ये है, तो मैंने यहाँ पर ये सिर्फ चेक करना है कि ए को क्या पढ़ा गया यहाँ पर, ओ वाले में ओ के बारे में चर्चा होगी, हालांकि ओ का उच्चारण ही हुआ है, कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ तो अ हुआ है कंपनी में। अब देखिए सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ तो आ हुआ है सॉल्ट में, केयर में का उच्चारण क्या हुआ है तो केयर में ए, मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए हुआ है मैप, एम ए पी मैप बोल रहे हैं ना, परफेक्ट में दो ई है तो पहला ई का उच्चारण क्या हुआ तो अ हुआ परफेक्ट, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ ए, प्रीफिक्स में दो ई है तो पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टी एन टेन में ई का उच्चारण जो है सो ए के रूप में हुआ। अब देखिए एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हुआ अ सर बोल रहे हैं, एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में लाइन हो रहा है,
नेक्स्ट देखिए, इसमें सन में ओ का उच्चारण जो है अ हो रहा है। अ क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं सन में ओ को। आउट में ओ को क्या बोलते हैं? आउट में ओ को आ बोल रहे हैं। मून में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं? डबल ओ को ऊ बोलते हैं, मून। और मोटो में दो है, एक एम के साथ, दूसरा जो है ओ के साथ, टी के साथ, है ना। तो दोनों में ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं। ब्यूटी बट में देखिए क्या बोलते हैं? ब्यूटी बट में यू को क्या बोल रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं, अ बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ते हैं? ऊ पढ़ते हैं, ब्यूटी पुट में ऊ। टी यू यानी ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं? तो ई यू पढ़ते हैं, ट्यून। उसके बाद एफ एल डबल फ्लड। अब देखिए यहाँ पर फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है क्या हो रहा है? तो फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है। इस तरह से सभी वर्ड्स को पढ़ा जा सकता है। तो आप क्या करिए कि 100-200 वर्ड्स कलेक्ट कीजिए, और जो भी कुछ जितने बहुत ईजी सी जैसे काउ काउ बस कुछ भी टॉय लिख सकते हैं, और उसको समझिए कि आज तक ने आपने क्या पढ़ा, जो भी आपका दिमाग कहता है वो उसको लिखिए। 11वें दिन देखिए खुद ब खुद समझ में आया कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों कि वर्णमाला के बारे में बात हो गया। वर्णमाला इसमें दो पार्ट हैं, पहला स्वर है, स्वर का उच्चारण जानिए, मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के कैसे प्रयोग होंगे इसकी भी बात होगी। जैसे ये देखिए अ है आ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्वरी दीर्घरी। और उसके बाद दोस्तों ये मात्रा चिन्ह अ का कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी उकार का इस तरह से, छोटी उकार का, बड़ी उकार का, री का ये है, बड़ी री का ये है। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल का सुना छोटी की, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए ऊ, बड़ी के लिए डबल ऊ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ए ओ औ अन अ, ए के लिए एक मात्रा चिन्ह, ए के लिए दो ऊपर हो गया, अ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ और ओ के लिए, उसके बाद अ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए, और अ के लिए जो है दोस्तों बहुत ध्यान देखिएगा कि ये है। अब देखिए ए का ए रहेगा तो ई, आई रहेगा तो ए आई, ओ रहेगा तो ओ, और ए यू, अन रहेगा एन, अह का एच। ये तीन का लास्ट का जो तीन है ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसे अच्छे से याद रखें। अब देखिए मात्रा चिन्ह को भी याद रखना, मात्रा चिन्ह के नीचे अंग्रेजी लिखो उसको भी याद रखना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा चिन्ह के अनुसार ही अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। अब चलिए स्वर पे आते हैं, स्वर के बाद सॉरी व्यंजन पे आते हैं, और ये व्यंजन देखिए 36 होता है। किसी एक व्यंजन को उठाएंगे, उसमें कोई एक स्वर को जोड़ देंगे, ठीक है। जब स्वर जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक जुटेगा तो ये हमारा बन जाएगा एक अक्षर, ठीक है, एक अक्षर बन जाएगा। और अक्षर जो है, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ेंगे तब एक बनता है दोस्तों शब्द, ठीक है। शब्द तो समझ ही रहे हैं, शब्द क्या है, शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। वाक्य क्या होता है समझ रहे हैं, जैसे शब्द हो गया मान लीजिए राम, तो वाक्य हो गया राम स्कूल जाता है, इस तरह से जो हो गया। अब मान लीजिए कोई अक्षर कैसे बनता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया ये जो व्यंजन हमारा है आधा क, तो इसको मैंने यहाँ ले लिया आधा क, ये व्यंजन है, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, ठीक है, अ जोड़ दिया, और ये हमारा हो गया यहाँ पर एक अक्षर। तो ये व्यंजन स्वर ये अक्षर हो गया, व्यंजन स्वर ये अक्षर हो गया। अब अंग्रेजी क्या होता है, के प्लस यहाँ पर ए लिखेंगे तब हो जाता है के ए हो जाता है। अगर आ रहता तो यहाँ पर का रहता, इस तरह से। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे अक्षर बनता है, और अक्षर को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है म अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर तो म काम हो जाता ना, काम, यानी कि यहाँ पर ए के साथ एम जोड़ देते हैं तो काम हो जाता। अब ये म बनाने के लिए कैसे बनता है, तो ये इस बात को समझिए कि म में अ जुड़ा हुआ है। संस्कृत के शब्दों में जो अंगा का प्रयोग होता है, अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, इया का प्रयोग होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। अक्षर तरह का भी यूज करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है, इस तरह से करना। बाकी देखिए टठण तथा धरण को लिए एक ही अंग्रेजी टी एच डी डी एच एन का प्रयोग होता है। एक और बात कॉमन जो मैं बताऊँ यहाँ पर कि भाई जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि भाई जो हमारा व्यंजन है उसका अंग्रेजीकरण कैसे किया जाए, तो क से के ले लिया उन्हें, ख के लिए के एच ले लिया, जैसे कि यहाँ पर है ग से जी होता है तो घ के लिए जी एच ले लिया, है ना, छ के लिए सी एच तो छ के लिए सी एच, झ के लिए जे तो झ के लिए जी एच हो गया, इसी तरह भ हो गया, इसी तरह जो है भ यहाँ, इसी तरह भ हो गया फ अभ, और इसी तरह देखिए ठ थ में टी एच हो गया, ढ ढ में डी एच हो गया, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए कैसे किसी नाम को लिखते हैं। मान लीजिए कि नाम है, यहाँ पर नाम जो है दोस्तों संगीता है, चलिए संगीता लिखते हैं, संगीता, और संगीता है तो संगीता कैसे लिखा गया है ये देखिए, तो एस ए एन जी डबल ई टी ए। अब ये कैसे हुआ, तो बड़ी ई के लिए ई डबल ई, और त के बाद जो ए आकार है उसके लिए आ, और संग के लिए ए एन का प्रयोग हुआ है, जो कि हमारा क्या है, ए एन क्या है, ये अन है ना, अन है जो कि स के साथ जुड़े। अब ये संगीता कैसे लिखा है ये देखिए,
तो ये हम ले लिए, जो मैंने लिया है स, ये व्यंजन है। उसके बाद अन हो गया, ये हमारा स्वर है। उसके बाद दोस्तों ग, ये व्यंजन, और ये ई हो गया बड़ी, ये हो गया हमारा, जाहिर सी बात है, स्वर। और त हो गया ये व्यंजन, और इसमें आ लग गया, है ना। अब देखिए एस एन हो गया, जी बड़ी का डबल ई हो गया, टी से ट, और ए का डबल या सिंगल है, यही जो लिखा है संगीत है। ऐसे किसी को नाम लिख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। तो आप लिखना, अगर कोई दिक्कत है तो लिखिए, किसी भी शब्द को ऐसे ही लिख सकते हैं हिंदी के शब्दों को, और हिंदी के शब्द अगर अंग्रेजी में लिखा हो तो ऐसी तरह से पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपकी समझदारी है कि इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत यूज़फुल है दोस्तों। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, नहीं लिखना आता तो इसको पहले सीखिए। सबसे ज़्यादा स्वर व्यंजन पे ही फोकस करना होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए के बाद ई, आई, आई हो गया, उसके बाद ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही तो है। कितना? 21 है। चलिए अब इसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे बी को क्या बोलते हैं? ब। सी को बोलते हैं क श। और इस स का बोलते हैं, जब सी के बाद ई आ जाता है तब सी को स बोलते हैं। ऐसे सी को क्या बोलेंगे? डी को दादा बोलते हैं। डी से ज भी उच्चारण होता है, एफ से फ, जी से ग भी होता है, ज भी होता है, एस से होता है ह। उसके बाद जे से ज होता है, के से क होता है, एल से ल, एम से म, एन से न ण, पी से होता है प। उसके बाद तो क्यू से क्यू, आर से र ड, एस के स ज, टी से ट था, और च स भी होता है। वी से वह, डब्ल्यू से ही वह। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जज। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं कब? जैसे एक्स के साथ एक्स है या फॉक्स है या ऑक्स है, एक्स ही उच्चारण होगा। जब वर्ड मीनिंग, जब वर्ड मीनिंग जो है ई एक्स स्टार्ट हो, तब एक्स को भी एक्स बोलेंगे, या एक्स को एक जी ही उच्चारण करते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? एक जे, ठीक है, एक्स या एक जे। अब जैसे देखिए ई, ई हो गया ई एक्स सी यू एस ई, क्या पढ़ते हैं? एक्सक्यूज पढ़ते हैं, है ना। या ई एक्स, ई एक्स ए एम, क्या बोलते हैं? एग्जाम, एक्सक्यूज एग्जाम, एक्सक्यूज एग्जाम, एक्सक्यूज या एग्जाम। अब ये देखिए दोनों में एक से एक्स ही है, लेकिन कभी एक जगह एक्स एक्स बोल रहे हैं, एक जगह एक्स बोल रहे हैं। उसी तरह देखिए क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स का प्रयोग किया गया है। जैसे सी से क हो रहा है, के से क हो रहा है, दो हो गया सी, के से क हो गया तीन हो गया, क्यू से क हो गया जो कि यहाँ है चार हो गया, क्यू यू से क हो गया, और सी एस से क हो गया। अब देखिए डी से डा तो ज भी कैसे होता है? जैसे जी आर ए डी यू ए टी ई, इसमें डी को क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं, ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट बोलते हैं। अब देखिए टी को ट आता बोल चा बोलते हैं, कैसे? तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये है चुअल, चर ये चुअल। उसके बाद टी आई वन को सन, और टी आई एल को सी एल। तो ये है सन और ये सी एल, सन ये सी एल, ठीक। ध्यान देखिए दोस्तों ये सी एल कैसे है, क्योंकि ये टी आई एल है और टी आई एन है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि टी आई से स और टी यू से च का उच्चारण होता है, टी आई से स और टी यू से च का उच्चारण होता है। इस तरह से जो बनते हैं वर्ड्स आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं इसको। अब देखिए व्यंजन के कॉन्सोनेंट के बाद जो है दोस्तों, आप यहाँ पर सीखेंगे कि कॉन्सोनेंट के बाद जो है आगे बढ़ जाते हैं, और ये रहा हमारा वॉवेल्स की उच्चारण कैसे होगा, इस पर दिमाग में रखना है। जैसे सभी जगह ए को ए पढ़ना सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब ए आ जाए तो कौन सा उच्चारण होगा, ये कन्फ्यूजन की बात है ना। तो जैसे ये कॉमन समझाने के लिए मैंने लिखा है स्पेलिंग, ताकि आप अच्छे से समझ जाइए, ताकि इजी से। जैसे मैंने लिखा है एम ए डी ई एल, इसमें ए को क्या पढ़ा गया? मेडल, अ पढ़ा गया। अब ए तो नहीं पढ़ा गया, एम ए डबल एस ए, इसमें ए को क्या पढ़ा गया? आ मास। एम एन मैन में ए को क्या पढ़ा गया? ऐ मैन पढ़ते हैं, ना कि मेन पढ़ते हैं। और वही देखते हैं अगर इस तरह से लिखा आता एम ए डी ई, ठीक है, एम ए डी ई, तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए हो रहा तब, यानी ए के बाद जब ये आया तो इस तरह से। उसी तरह से अब ई को क्या क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, आर ई एम बी ई आर। अब इसमें तीन ई है, ठीक है, तीन तीन ही है, एक दो तीन ई है, पहला ई आर के साथ, दूसरा ई एम के साथ, तीसरा ई बी के साथ। अभी सभी जगह ई पढ़ दे तो सिर्फ ई ए जो ई लिखा हुआ ई ही पढ़ते तो क्या वर्ड होता?
रिमेम्बर, जब कैसा नहीं है इसको पढ़ते हैं रिमेम्बर, यानी पहला ई के साथ जो है आर के साथ ई, दूसरा एम के साथ जो है उसका ए, दूसरा तीसरा जो है बी के साथ ई, उसको बोलते हैं आ, है ना, आ पढ़ते, क्या उच्चारण होता है रिमेम्बर, री मेम, ठीक है, रिमेम्बर, क्या बोलते हैं रिमेम्बर, जिसमें रिमेम्बर में आप सोचिए कि तीन ई है, एक दो तीन ई है, एक ई है, उसके बाद दो ई है, तीन ई है, एक ई है, एक ई यहाँ, दूसरा ई और तीसरा ई, बहुत अच्छे से रिमेम्बर, रिमेम्बर, है ना, यानी कि एक ई ये वाला आ गया, आप ये समझिए, दूसरा ई जो के लिए ए आ गया, तीसरा ई के लिए जो आ गया, रिमेम्बर पढ़ते हैं, है ना, ना कि रिमेम्बर पढ़ते हैं। अब उसी तरह देखिए आय का उच्चारण क्या क्या होता है, आय को सिर्फ आ ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि एस आई आर सर में आय को क्या पढ़ देंगे, आई को आ पढ़ेंगे सर में, एस ओ एन सन में ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ को आ पढ़ेंगे, सन पढ़ते हैं ना। उसी तरह देखिए यू जो है आर यू ए एन में, आर यू ए एन में यानी रन है, रन में यू को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं रन। फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ये भी समझिए, डबल ओ को आ पढ़ते हैं, फ्लड पढ़ते हैं, है ना। रूम में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, रूम में डबल ओ को एम डबल बड़ी ऊ पढ़ते हैं, या सुन ले लीजिए एस डबल ओ एन सुन, है ना, या आप बहुत सारे वर्ड है, कुड ले लीजिए, है ना, सी कुड में डबल नहीं आएगा, लेकिन मान ली कुक लीजिए, सी डबल ओ के कुक, डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ऊ ही पढ़ते हैं, या ज़्यादातर यही दो आता है इसमें। तो दोस्तों ये था कि कैसे कुछ पढ़ना है, प्रैक्टिस देखिए बहुत ज़रूरी है, तो लास्ट प्लस स्लाइड मैंने बताया था ही इसको लेके कैसे प्रैक्टिस करना है, 200 वर्ड जरूर लीजिए, आज अच्छे से हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से, और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जो कि सबसे अच्छा बात है कि वह प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए तब तक अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।